लेकिन हमने किया की परिस्थिति हो जहां तक नजर उठेबे एगो चपरासी से लेके कलेक्टर तक हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो तो सोच सकल है कि आज ये राज्य कैसे विकास करते। हर जगह कहीं भी चल जाओ, शिक्षक बहाली में चल जाओ, इंजीनियर के बहाली में चल जाओ, डॉक्टर के बहाली में चल जाओ, अरे कंपाउंडर के बहाली में चल जाओ और क्लर्क के बहाली में चल जाओ, हर जगह अगर बाहर के लोग बनता है तो अलग राज्य कहे बन ले, अलग राज्य के निर्माण कहे खातिर बने। यदि हमने सारा वैकेंसी बाहर के बेचना हलाय, यदि सारा नौकरी बाहर के बेचना हलाय, तो अलग राज्य के निर्माण कहे बने। इतना बलिदान, इतना संघर्ष, इतना ताप, इतना त्याग, इतना जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना पुलिस के लाठी खाइल बाद, इतना कपार फटल बाद, इतना शरीर में एक एक चाम छाइल दे जब पुलिस के लाठी बज रहा है, आखिर अलग राज्य कहे बनले। अलग राज्य है खतरे बनलाये कि हमने के 12 लाख मजदूर बाहर खटे जीते, चूंकि यहाँ जैसन कि हम देखे पावे भीड़ में बगोदर ब्लॉक और विशुनगढ़ ब्लॉक के बहुत सारा अभिभावक और छात्र आए है, तो हमें के जानकारी होना चाहे पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा पलायन कहीं है तो झारखंड के बगोदर और विशुनगढ़ ब्लॉक में। कि यह दिन खातिर एक गिरिडीह जिला, एक हजारीबाग जिला, कि यह दिन खातिर अलग राज्य बनले, कि हमने मजदूर के संख्या बढ़ते, अलग राज्य की खातिर बना लल। साफ शब्द में बताइए कि अलग राज्य का गठन क्यों किया गया था, अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए? अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अभियंताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वकीलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए अलग राज्य लिया था? लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, अभिभावक, माताएं, बहने, महिलाएं इस मंच तक, इस बदलाव संकल्प सभा तक, ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान तक आई हैं, आज उन्हें संकल्प लेकर जाना होगा कि इस राज्य में अगर बदलाव लाना है तो 24 हमारे लिए निर्णायक होगा, 24 हमारे लिए महत्वपूर्ण साल। चूंकि मैं फिर कुछ चंद मिनटों के लिए हिंदी में संबोधन करूंगा, इसलिए चूंकि मुझे लगता है इन बड़ी बड़ी इमारतों में अन्य राज्यों के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं, और चूंकि उन्हें ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से बात जाती है और उन्हें समझ में शायद नहीं आती है, और ये उन्हें लगता है कि ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये एक शोषण की लड़ाई है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से संवाद करना चाहूंगा, और जाहिर सी बात है भले वो यहाँ तक नहीं आए हैं, लेकिन जोहार, हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 स्कोप और जो अभी ये पांडे दीदी, इनके माध्यम से घर में बैठकर सुन ही लेंगे। चूंकि सामने अगर सीएसएफ रहते हैं जितेंद्र को बोकारो वाले सुनेंगे, चूंकि हजारीबाग में यूपी बिहार की इमारतों की संख्या ज्यादा है, और चूंकि अगर सीएसएफ खड़ी होती है तो हम सीएसएफ पे आधा घंटा बोलते हैं, अगर जिला पुलिस खड़ी होती तो हम जिला पुलिस से बात करते हैं, आज हम यूपी बिहार पे ही बात करेंगे, क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते हैं, हम अपना विचारधारा को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की लड़ाई है। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाके रह सकता है, बस सकता है, अरे अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में है क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं आपके लोग बंगाल में भी है, हमें एक भी आंदोलन दिखाइए बंगाल की गलियों में जो आपने अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया हो। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और हजार में नहीं लाख में हैं, आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया है? आपके लोग तेलंगाना में हैं, आपके नहीं, हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं,
तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए, मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है, बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार है? अरे उतना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार के हैं, बिहार के ही है ना। हाल फिलहाल बड़का गांव गए थे और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था और क्या बोला पता है? इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। बप्पो सांसद, जयंतो सांसद, अगर बेटू अब सांसद की तैयारी में। मैं पुनः रिपीट करूंगा, मेरे जितने यूपी बिहार के भाई जो आज यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, जो आज शासन से प्रशासन में यहाँ अपना प्रभुत्व बना के रखे हैं, अपना